अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल WhatsApp पे एक बहुत ही ज़्यादा वायरल मैसेज चल रहा है, जिस मैसेज को अगर आप टच करते हैं तो उसके बाद हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हैंग हो जाता है। उस मैसेज में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसे टच करेंगे तो वो हैंग हो जाएगा। और सच में ये मैसेज मेरे पास भी आया था और मैंने भी उसे टच किया था, और उसके बाद मेरा जो WhatsApp है वो हैंग हो गया था, मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो कुछ देर के लिए फ्रीज़ हो गया था। अब दोस्तों, इस बात पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि WhatsApp के अंदर बग है और उसी बग का लूप होल का इस्तेमाल करते हुए लोग ऐसा कैरेक्टर डाल रहे हैं जो कि WhatsApp सपोर्ट नहीं करता है और जो WhatsApp है हैंग हो जाता है। क्या ये बात सच है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उस WhatsApp मैसेज को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके अपने नोट्स में ले गया, और नोट्स में ले जाने के बाद मैंने सोचा कि क्या मेरी एंड्रॉयड फोन हैंग होगी या नहीं होगी। और दोस्तों, नोट्स में भी मैंने उस कोड पे टच किया तो मेरी एंड्रॉयड फोन हैंग हो गई। तो इससे तो ये बात पता चलता है यह कोई WhatsApp का बग नहीं है, यह पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक है जिसके कारण हमारा जो एंड्रॉयड फोन है वो हैंग हो जा रहा है। ये सिर्फ WhatsApp की वजह से नहीं हुआ है, WhatsApp में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों हमारा एंड्रॉयड फोन हैंग हो जा रहा है उस मैसेज की वजह से? वैसे तो बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि अगर आप उस मैसेज में देखेंगे तो बीच में एक स्पेस मिल जाती है और उस स्पेस की वजह से हमारा एंड्रॉयड फोन हैंग हो रहा है। उस स्पेस में ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारा एंड्रॉयड फोन सपोर्ट नहीं करता है और उसी के कारण हमारा जो एंड्रॉयड फोन है वो फ्रीज कर जा रहा है, हैंग हो जा रहा है। क्या ये बात सच है? क्या उस स्पेस में ऐसा कुछ है जिसे देख करके वो जो एंड्रॉयड फोन है वो डर जाए और हैंग हो जाए? चलिए पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए दोस्तों हमें उस कैरेक्टर के यूनिकोड निकालना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है यूनिकोड को निकालना। ये रही दोस्तों उसकी यूनिकोड। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह उस कैरेक्टर का जो बीच में स्पेस दिया गया है उसका ये पूरा का पूरा यूनिकोड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी यूनिकोड है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक ही चीज बार बार रिपीट किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैसेज, इफ यू टच दिस बॉक्स, और उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट के अंदर है 200E 200F 200E 200F, और दोस्तों यही चीज बार बार रिपीट किया हुआ है। और दोस्तों यह एक तरह का यूनिकोड है किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए। लेकिन आखिर वो स्पेशल कैरेक्टर है कौन, और यह 200E और 200F से क्या होता है, ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हमारा जो एंड्रॉयड फोन है वो हैंग हो जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतनी बार रिपीट की गई है इसी 200E 200F को, जिसे हमारे एंड्रॉयड फोन का मेमोरी प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों उतना ज्यादा फास्ट नहीं है हमारा एंड्रॉयड फोन का मेमोरी जो कि इतनी ज्यादा प्रोसेस कर पाए, उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसर नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे नीचे की मैसेज लिखी हुई है, योर फोन विल हैंग, यू वेर वॉन्ड। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो फोन है वो हैंग सच में हो जाता है टच करने के बाद ही, क्योंकि दोस्तों हमारे फोन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे डेटा को, पूरा दोस्तों यहाँ तक के डेटा को इसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो आखिर ये 200E और 200F का मतलब क्या है? तो अगर आपको समझना है कि आखिर ये 200E और 200F क्या है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये यूनिकोड क्या होती है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो भी कैरेक्टर होता है या फिर दोस्तों जो भी सिंबल्स होते हैं या फिर जो भी नंबर्स होते हैं या फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी इमोजीज होते हैं, हर चीज दोस्तों यूनिकोड से डिफाइन किया गया है। दोस्तों यूनिकोड का मतलब होता है यूनिक कोड, और दोस्तों हमारी दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए एक यूनिक कोड होता है। ऐसा क्यों किया गया है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हर चीज होता है बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि जीरो और वन के फॉर्म में। यानी कि अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो वह जीरो और वन के फॉर्म में प्ले हो रहा है, अगर आप कोई इमेज भी देख रहे हैं तो वह जीरो और वन के फॉर्म में, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी चला रहे हैं तो वो सारा का सारा डेटा दोस्तों जीरो और वन के फॉर्म में हो रहा है। लेकिन हमें जीरो और वन के फॉर्म में दिखते नहीं है, हमें दिखते हैं बिल्कुल ही दोस्तों उनके ओरिजिनल फॉर्म में, जिसे हम लोग कहेंगे पिक्चर दिखते हैं, वीडियो देखते हैं, या फिर दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर दिखता है, या फिर हमारा टेक्स्ट दिखता है, हमारा कैरेक्टर दिखता है, हमारा नंबर दिखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर जीरो और वन का जो कन्वर्शन होता है हर एक चीज के लिए अलग अलग मेथड से होता है। जैसे कि अगर आपको जीरो और वन को कन्वर्ट करना है इमेजेस में, फोटोज में, वीडियोस में, तो वहां पे काम आता है पिक्सल्स का, और वह पिक्सल्स दोस्तों अलग अलग लाइट्स ब्लिंक करके जीरो और वन के मेथड से वो दिखाती है हमें इमेजेस और वीडियोस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर का, तो आखिर ये कैरेक्टर कैसे दिखाता है? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं ABCD, तो उनका भी एक बाइनरी फॉर्म होगा जीरो और वन के फॉर्म में। लेकिन वो जीरो और वन का फॉर्म हमें कैरेक्टर बन के से दिखाता है? तो दोस्तों बाइनरी और कैरेक्टर के बीच में आता है यूनिकोड। वही दोस्तों यूनिकोड होता है जो कि हमें आ रहे बाइनरी को फेच करता है और उसे कोड में बदलता है, और उस कोड को फेच करके दोस्तों कैरेक्टर में बदलता है। यानी कि दोस्तों यूनिकोड एक ऐसा यूनिक कोड है जिससे हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट कर देते हैं अपने कैरेक्टर में और उसे हम लोग शो करते हैं अपने डिस्प्ले पे। तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमें ए लिखना है। अब दोस्तों अगर हम वो ए लिखेंगे तो कंप्यूटर में बाइनरी के फॉर्म में लिखाएगा, और वह बाइनरी का फॉर्म क्या होगा, तो मान लीजिए वह ए के लिए
सिंबल है 00010010। हालांकि यह सिंबल नहीं है, लेकिन मैं बस कह रहा हूं कि मान लीजिए कि यह बाइनरी का यह सिंबल है। अब दोस्तों मान लीजिए यह बाइनरी है, तो उसे हम लोग पहले यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूनिकोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कोई एक कन्वर्शन मेथड नहीं होगा, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आखिर वह 00010 का क्या मतलब है, आखिर कैसे समझ में आएगा। वहीं पे दोस्तों यूनिकोड क्या करता है कि उस बाइनरी कोड को समझता है, समझने के बाद वो अपना एक यूनिक कोड निकालता है, जैसे कि मान लीजिए 0041। और दोस्तों जो वो 0041 है, वह एक का दोस्तों ए मतलब एप्पल, ए का दोस्तों यूनिक कोड है। तो अगर आपको ए लिखना है कंप्यूटर में, या फिर अगर कभी भी प्रोग्रामर्स ए लिखते हैं कंप्यूटर में, तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने 0041 यूनिक कोड का इस्तेमाल किया है। और ये है दोस्तों कैपिटल ए के लिए, उसी तरह से स्मॉल ए के लिए यूनिक कोड है 0061। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बाइनरी काफी लंबी हो सकती है, और दोस्तों लैंग्वेजेस हमारे पास सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास हजारों लाखों लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हर एक लैंग्वेज में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब दोस्तों आज से 15-20 सालों पहले कुछ ऐसा था कि हर एक लैंग्वेज का अलग अलग इनकोडिंग मेथड था, यानी कि जितने भी लैंग्वेजेस में जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्हें इनकोड करने के लिए हर एक लैंग्वेज के लिए अपना ही अलग इनकोडिंग मेथड होता था। यानी कि मान लीजिए आज से 15-20 साल पहले आपका कंप्यूटर रन करता इंग्लिश पे, तो दोस्तों अगर आपको उसे उर्दू में या हिंदी में कन्वर्ट करना होता था, तो उसके लिए एक अलग ही इनकोडिंग मेथड को अपनाना पड़ता था, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर आपके लैंग्वेज को समझ पाता था। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और सबके लिए अलग अलग इनकोडिंग मेथड को अपनाना ये सही नहीं होता था। इसलिए दोस्तों यूनिक कोड को बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिक कोड, या फिर यूनिक का मतलब मोनो भी होता है, यानी कि दोस्तों सिंगल भी होता है, सिंगल कोड, जिसके अंदर दोस्तों हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टर को एक ही जगह लिखी गई है। और यूनिक कोड में दोस्तों आज तक लगभग 26 लाख से भी ज्यादा कैरेक्टर को ऐड किया जा चुका है, और उन कैरेक्टर्स के मदद से दोस्तों हम लोग किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आसानी से कोई सा भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही एक कारण था जिसके कारण यूनिक कोड को बनाया गया, ताकि दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस में जितने भी कैरेक्टर हैं, सभी एक जगह आ जाएं, और उन्हें बार बार इनकोडिंग करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल ना करना पड़े, सारे के सारे कोड्स हमें एक ही जगह मिल जाए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिक कोड में सिर्फ और सिर्फ हमारे कैरेक्टर या नंबर नहीं होते हैं दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर है वो स्पेस बार, यानी कि अगर हम लोग स्पेस देते हैं, तो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, वो भी एक तरह का अलग यूनिक कोड है, वो भी एक तरह का दोस्तों अलग कैरेक्टर है कंप्यूटर के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप स्पेस दे रहे हैं, चाहे आप इंटर दबा रहे हैं, चाहे आप टैब दबा रहे हैं, चाहे दोस्तों आप लाइन ब्रेक कर रहे हैं, चाहे आप पेज ब्रेक कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए हर एक चीज कैरेक्टर है, कॉमा से लेकर के दोस्तों ब्लैंक स्पेस तक भी कंप्यूटर के लिए कैरेक्टर है। कंप्यूटर कभी भी ब्लैंक स्पेस को एज अ ब्लैंक नहीं कहता है, कंप्यूटर ब्लैंक स्पेस को भी कैरेक्टर के तौर पर लेता है। लेकिन दोस्तों दुनिया के सभी लैंग्वेजेस को बनाने में जो प्रॉब्लम हुई, वह यह हुई कि कुछ लैंग्वेजेस स्टार्ट होते थे लेफ्ट से राइट की ओर, और कुछ लैंग्वेजेस लिखे जाते थे राइट से लेफ्ट की ओर। जैसे कि अगर आप इंग्लिश ले लेंगे, तो वो लिखा जाता है लेफ्ट से राइट की ओर, लेकिन अगर आप अरबिक या उर्दू ले लेंगे, तो वो लिखा जाता है दोस्तों राइट से लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए भी एक अलग ही यूनिकोड बनाया गया, और दोस्तों उस यूनिकोड का नाम था लेफ्ट टू राइट मार्कर, जिसे हम लोग कहते हैं LRM, या फिर दोस्तों बनाया गया राइट टू लेफ्ट मार्कर, जिसे हम कहते हैं LRM। अब यह क्या होती है, देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट टू राइट मार्कर या फिर राइट टू लेफ्ट मार्कर है, इनका काम बस इतना सा है कि वो लाइन को एक तरफ से दूसरे तरफ पलट देते हैं। यानी कि मान लीजिए आप इंग्लिश लिख रहे हैं, और इंग्लिश आप लिखते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपने वहां पे स्ट्रिंग डाल दिया, वहां पे यूनिक कोड डाल दिया राइट से लेफ्ट का, तो आपका जो कैरेक्टर है वो पलट जाएगा, और आपका जो कैरेक्टर है दोस्तों वो राइट टू लेफ्ट बन जाएगा। यानी कि जो आप पहले लेफ्ट से राइट की ओर लिखते थे, वो इंग्लिश अब आपको राइट टू लेफ्ट की ओर लिखना पड़ेगा। यही होती है दोस्तों राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट मार्कर, जो कि हमारे सेंटेंस को बदल देती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप अरबिक लिख रहे हैं, और उस अरबिक के बीच में आपको कोई सेंटेंस छोटा सा इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखेंगे C++। अब दोस्तों आप इस अरबिक के बीच में C++ आप देखेंगे, तो आपको उल्टा नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों अरबिक शुरू होती है राइट से लेफ्ट की ओर, और इंग्लिश शुरू होती है लेफ्ट से राइट की ओर। तो जब हमने अरबिक में इंग्लिश लिखा, यहां पे कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया, और उसके बाद C++ को ++C दिखाने लगा। हालांकि दोस्तों यहां पे अगर आप लिटरली ऐसे पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, तब आपको C++ ही है, लेकिन देखने में आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैंने तो इंग्लिश में C++ लिखा है, तो ऐसा क्यों है।
तो उसी के लिए दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पर राइट टू लेफ्ट मार्कर लगा देंगे तो उसके बाद जो ये सेंटेंस दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि अरेबिक तो है और राइट टू लेफ्ट शुरू हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश है वो हमारी लेफ्ट टू राइट हो गई है। और इससे हमें फायदा यह हुआ है कि इंग्लिश का सेंटेंस भी हमारे काफी अच्छे से यूनिकोड की वजह से बिल्कुल ही सही रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ये लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट मार्कर है इनका यूनिकोड क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं इनका यूनिकोड है 200E 200F। अब आपको ये काफी ज्यादा सुना सुना लग रहा होगा कि आखिर मैंने ये कहीं तो सुना है 200E और 200F, हालांकि वीडियो काफी लंबी हो गई है तो आपको याद नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ दोस्तों। ये 200E और 200F वही करेक्टर्स हैं जो कि हमें व्हाट्सएप के मैसेज के ब्लैंक के स्पेस में मिलते हैं, जिसे हमने डिकोड किया तो हमें ये करेक्टर मिली थी यूनिकोड के तौर पे। और दोस्तों ये सभी यूनिकोड हैं वही लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मार्कर के। दोस्तों ये जो 200E होता है इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट मार्कर, और जो 200F होता है इसका मतलब होता है राइट टू लेफ्ट मार्कर। और दोस्तों ये बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि अगर हम लोग उस व्हाट्सएप मैसेज पर टच कर रहे हैं तो उस व्हाट्सएप मैसेज को बार बार इंस्ट्रक्शन जा रहा है कि पहले तो लेफ्ट टू राइट करो, यानी कि सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट बदल दो, फिर आप 200F यानी कि राइट टू लेफ्ट बदल दो। और दोस्तों बार बार ये एंड्रॉइड फोन वही काम कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसके कारण दोस्तों ये प्रोसेस करने में इतने बड़े जो कंजक्शन है दोस्तों, इतने बड़े जो कोड है इन्हें प्रोसेस करने में काफी ज्यादा टाइम लग जा रहा है व्हाट्सएप को। और इसलिए दोस्तों हमारा जो एंड्रॉइड फोन है वो हैंग कर जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एंड्रॉइड फोन है उसकी प्रोसेसर और उसकी मेमोरी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है, और इन्हीं के कारण दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप है एंड्रॉइड है वो हैंग हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो इतना बड़ा कोड है ये विजिबल क्यों नहीं है, ये हमें व्हाट्सएप में क्यों नहीं दिखता है, इसे डिकोड क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि दिखते नहीं है लेकिन हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स है दोस्तों ये दूसरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे बस एक ही चीज ढालता तो काफी था लेकिन उसने पूरा का पूरा डाल दिया। तो दोस्तों उस व्हाट्सएप मैसेज के ब्लैंक स्पेस में कंट्रोल कैरेक्टर्स दिए हुए थे और वो कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, और वो कंट्रोल कैरेक्टर्स को इतना बार रिपीट किया गया था कि हमारा एंड्रॉयड का मेमोरी हैंग हो जा रहा था, हमारा एंड्रॉयड का सीपीयू उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और पूरा प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपका एंड्रॉयड हमेशा के लिए हैंग हो जाता है, अगर आप वो मैसेज पर टच भी करेंगे तो 5 से 10 सेकंड के बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों रिट्रीव हो जाएगा, क्योंकि उतने देर में पूरा का पूरा जो कंट्रोल कैरेक्टर्स है उसे वो प्रोसेस कर लेगा। इसलिए दोस्तों वो परमानेंट हैंग नहीं होती है, परमानेंट हैंग होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनका सेट डबल कर दें तो हैंगिंग टाइम डबल हो जाएगा, अगर 4 गुना कर दें तो हैंगिंग टाइम 4 गुना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लीजिए वहां पे 100 बार रिपीट किया हुआ है, अगर आप उसे 200 बार कर देंगे तो टाइम डबल हो जाएगा हैंग होने का, 400 बार रिपीट कर देंगे तो टाइम 4 बार गुना हो जाएगा रिपीट होने का। जो भी था बहुत ही लंबा बात हो गया यार, चलो इसे यही पे खत्म कर है। तो दोस्तों मैं शाहरुख और मुझे आप लोगों को बताना था कि कैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज हैंग कर जाता है उस मैसेज की वजह से। तो अगर आज की ये हमारी डीप नॉलेज पसंद आई आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।